कि जीव को तत्व ज्ञान कराने वाला सर्वप्रथम गुरु है। तत्व ज्ञान ही नहीं होगा जब थियरी की नॉलेज नहीं होगी तो साधना कैसे करेगा। वो समझते नहीं जब अपनी इंपॉर्टेंस, मानव देह क्यों मिला है हमको, कुत्ते बिल्ली गधे कीट पतंग ये सब जीव हमारे ही भाई बहन हैं। हम भी पहले यही सब योनियों में घूम चुके हैं। ये मानव देह स्वर्ग के देवता लोग भी चाहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। ये सब बात अगर हम नहीं समझेंगे तो जैसे कुत्ते बिल्ली गधे खाने में और सोने में इसी में पूरा जीवन बिता देते हैं, ऐसे हम भी करेंगे। संसार से प्यार करेंगे, खाएंगे, सोएंगे, 420 करेंगे, पाप कमाएंगे, नरक जाएंगे। ये हमारी लाइफ का एम हो जाएगा। गुरु साधना करावे, नंबर दो, गुरु साधना भी कराता है, साथ में बैठ कर कराता है, ममता युक्त इस प्रकार समझाता है कि हम समझ जाएं, फिर साथ में साधना कराने में भी वो पूरा सहयोग देता है। और जब हम उसके शरणागत होते हैं तो हमारा योग क्षेम भी बहन करता है उसी लिमिट में, जिस लिमिट में शरणागति होगी। ये ध्यान रहे, हम थोड़ा अर्पण करें और बहुत फायदा चाहें ये नहीं मिलेगा। ये यथा नाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जितनी मात्रा में हमारी शरणागति होगी उतनी मात्रा में गुरु कृपा मिलेगी। जरा भी अंतर नहीं, बिल्कुल तराजू है, दोनों तरफ एक साथ। हमको अधिक कृपा चाहिए तो पूर्ण शरणागति करो, थोड़ी कृपा चाहिए तो थोड़ी शरणागति करो, ये अपने हाथ में है।